नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हमारे आईटी ट्रेनिंग फॉर यूएस आईटी रिक्रूटर पार्ट फोर में आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, या हम बड़े ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है। दोस्तों, आप यदि आप एक जूनियर आईटी रिक्रूटर है, या आप एक आईटी रिक्रूटर बनना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी आप एक आईटी रिक्रूटर है और आपको आपके आईटी रिक्रूटमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स है, या आपकी आईटी स्किल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हमारा जो ये सीरीज़ है आईटी रिक्रूटमेंट फॉर आईटी ट्रेनिंग फॉर यूएस आईटी रिक्रूटर आपकी काफ़ी मदद करने वाली है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरे जॉब से रिलेटेड नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार होने वाला है यदि आप एक आईटी रिक्रूटर हैं, या फिर जूनियर आईटी रिक्रूटर हैं, या फिर एक यूएस आईटी रिक्रूटर है और एक आप आईटी पोजीशन पे काम करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप एक आईटी रिक्रूटर हैं तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर पोजीशन पे भी आप काम करते होंगे, तो ये वीडियो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या मैनेजर की जो पोजीशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड में एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जिसका काम होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट किया जाए, प्रोजेक्ट प्लानिंग की जाए, प्रोजेक्ट में किन किन रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है ये इंश्योर किया जाए, या प्रोजेक्ट के लिए बजट को प्रिपेयर किया जाए, या प्रोजेक्ट के स्कोप स्केडिंग को स्केड्यूल किया जाए या मॉनिटर किया जाए। दोस्तों, एक प्रोजेक्ट मैनेजर का जो काम होता है वो प्लानिंग करना है कि प्रोजेक्ट को कैसे अकम्प्लिश करना है या प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करना है। सो प्लानिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी प्रोजेक्ट मैनेजर। इसके बाद होता है प्रोक्योरमेंट कि किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किन किन रिसोर्सेज का ज़रूरत है, या किन किन रिसोर्सेज की आवश्यकता है, तो उन रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने का काम एक प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। और किसी भी प्लानिंग या किसी भी प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट की जो पॉलिसीज़ हैं प्रोसीजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, या प्रोजेक्ट की जो भी पॉलिसीज़ हैं या प्रोसीजर्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाए। तो दोस्तों, बड़े ही आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड का एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जिसका काम प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना, प्रोजेक्ट के लिए किन किन रिसोर्सेज की आवश्यकता है उन रिसोर्सेज को पाना, और प्रोजेक्ट की जो भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जिन जिन पॉलिसीज या प्रोसीजर की आवश्यकता है उनको एग्जीक्यूट किया जाए। ओके, और प्रोजेक्ट को के लिए बजट को प्रिपेयर करना, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। या हम इसकी बड़े ही सरल शब्दों में एक प्रोजेक्ट मैनेजर की डेफिनेशन दे सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर इज द प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।